जादुई चूहा। काफी समय पहले की बात है, एक वन में एक महर्षि वर्षों से रहते थे। हर रोज वे भगवान की पूजा अर्चना और तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन वे तपस्या में लीन थे, तभी आसमान से किसी चील या कौवे की चोंच से एक चूहा आकर महर्षि की गोद में गिर गया। आसमान में उड़ रहे पक्षी के प्रहार से चूहा घायल था। महर्षि को चूहे की हालत देख उस पर दया आ गई। महर्षि चूहे को दाना पानी खिलाकर उसे पालने पोसने लगे। महर्षि द्वारा किए गए उपकार और देखभाल से चूहा कुछ ही दिनों में हुष्ट पुष्ट हो गया। एक दिन न जाने कहां से एक बिल्ली की नजर उस चूहे पर पड़ गई। मौका देख बिल्ली चूहे को अपना भोजन बनाने के लिए उस पर झपटी। महर्षि को चूहे की ऐसी हालत देख उस पर दया आ गई और महर्षि ने उसे बिल्ली बना दिया। अब चूहा बिल्ली बनकर बहुत खुश था, लेकिन कुछ ही दिनों में उस पर आसपास के कुत्तों की नजर पड़ गई। अब वह पुनः डर डर कर रहने लगी। महर्षि ने सोचा, क्यों ना मैं इसे कुत्ता बना दूं? फिर तो इसकी सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। उसने उसे कुत्ता बना दिया, लेकिन कुत्ता बनने के बाद भी चूहे की समस्या वैसी की वैसी ही रही। अब उस पर जंगल के शेर की नजर पड़ गई। चूहे ने जाकर महर्षि से फिर प्रार्थना की। इस बार महर्षि ने चूहे को कुत्ते से सीधा शेर बना दिया। इस तरह आखिरकार वह चूहा जंगल का शेर बन गया। लेकिन लोग उसको देखकर कहते, यह तो चूहा है, महर्षि ने इसे शेर बना दिया है। लोगों की ऐसी बातें सुनकर वह बहुत क्रोधित हो जाता था। एक दिन शेर ने सोचा, जब तक यह महर्षि जीवित रहेंगे तब तक लोग मेरी सच्चाई जानकर मुझे चूहा ही समझते रहेंगे। क्यों ना मैं महर्षि को मारकर यह कहानी यही खत्म कर दूं। शेर के यह सोचने भर की देर थी कि महर्षि को शेर के मन में चल रहे विचारों का पता चल गया। बस फिर क्या था, महर्षि ने उसे शेर से फिर से चूहा बना दिया और अपने आश्रम से भगा दिया। कहानी का तर्क यही है कि हम जिंदगी में चाहे कितने ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, हमें खुद को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिए गए लिंक्स को क्लिक कीजिए और हमारे वीडियोस को एंजॉय करते रहिए।